नमस्कार, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप अपने कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस यानी विश्लेषण कराना चाहते हैं या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष पत्राचार द्वारा यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा भी सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा यानी पामेस्ट्री, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं या मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकें परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मकर राशि के बारे में विस्तार से बताऊंगा। वर्ष 2015 में मकर राशि वालों को कैसा रहेगा। ज्योतिष में दसवीं राशि मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर राशि चर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, वर्ण वैश्य है, वात प्रकृति है। मकर राशि का चिन्ह पानी में मगरमच्छ है। स्त्री राशि है। मकर राशि वाले मेहनती होते हैं, उच्च पद प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल भी होते हैं। उच्च पद प्राप्त करने के इच्छा रखने के कारण अधिक मेहनत भी करते हैं। क्रोध धीरे धीरे आता है लेकिन शांत भी जल्दी हो जाते हैं। अपनी गलती हो तो नम्र हो जाते हैं, दूसरों की गलती हो तो उग्र रूप धारण कर लेते हैं। इनके मन में बदले की भावना अधिक होती है, क्षमा करना इनके लिए कठिन होता है। दूसरों की गलती हो तो ये आसानी से माफ नहीं करते। झगड़ारू प्रकृति के होते हैं, चेहरे पर गंभीरता होती है, मेहनती होते हैं। इनकी सफलता का राज परिश्रम तथा पढ़ने लिखने में अधिक रुचि होती है। समाज सेवा भी करते हैं, आदर्शवादी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं। समाज में प्रतिष्ठा भी होती है, मान सम्मान होता है, धार्मिक होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन मकर राशि वालों का जीवन, वैवाहिक जीवन कमजोर होता है, परेशानियां होती हैं, पति पत्नी के विचारों में मेल नहीं होता है, इन पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है, मित्रों की संख्या बहुत कम होती है, मुसीबत आने पर घबराते नहीं हैं, धैर्य से काम लेते हैं। मकर राशि वालों के मन में जो विचार होते हैं उसे वो खुलेआम प्रकट करते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे परवाह नहीं करते। 1 जनवरी 2015 को ग्रहों की पोजीशन इस प्रकार है। राशि स्वामी शनि मकर राशि के लाभ भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि 30 भावों में यानी कि 3रे, 6रे और 11वें भाव में ही शुभ फल देते हैं। शनि के 11वें भाव में ट्रांजिट से मकर राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ होंगे, व्यापार में भी लाभ होगा, नौकरी में उन्नति होगी, मित्रों से या बड़े भाइयों से संबंध अच्छे होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। शनि वर्ष 2015 के अंत तक लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं तथा शुभ फल प्रदान करेंगे। गुरु मकर राशि के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु 7वें भाव में ट्रांजिट के समय शुभ फल देते हैं। स्त्री से, पुत्र से सुख प्राप्त होगा, पार्टनरशिप में सक्सेसफुल होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी, शुभ कार्यों के लिए यात्रा होगी, सरकार से
आदर सत्कार भी प्राप्त होगा, धन लाभ भी होगा। लेकिन गुरु 14 जुलाई 2015 से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे शुभ फलों में कमी आ जाएगी, धन हानि होगी व कष्ट प्राप्त होंगे। राहु 9th हाउस में भाग्य हानि करेगा, व्यर्थ की यात्राएं करेगा, धर्म से दूर करेगा। लेकिन केतु 3rd हाउस में वर्ष 2015 के अंत तक गोचर करेगा। केतु 3rd हाउस में ट्रांजिट के समय शुभ फल देता है, साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा, धन लाभ देगा, सभी प्रकार के सुख देगा। कुल मिलाकर वर्ष 2015 मकर राशि वालों के लिए शुभ फलदायक है।